पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए अब किसान यूनियन उग्राहा ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। भाई नशे को रोकने के लिए किसानों ने पंजाब के एमएलए और मंत्रियों के घरों का घेराव कर दिया है। किसान यूनियन आज एकता उग्राहा की ओर से पंजाब के 34 एमएलए और 8 मंत्रियों के आवासों के बाहर धरने पर बैठे और नारे लगाए ताकि पंजाब को नशा मुक्त किया जा सके। इसी कड़ी के तहत मोगा में भी किसानों द्वारा अरोड़ा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार को नशे पर रोक लगाने के लिए अपील भी की गई है। किसानों ने कहा कि पंजाब में नशे के कारण जवानी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हर रोज नशे की ओवर डोज के कारण नौजवानों की मौत हो रही है। बता दें कि सरकार नशे को रोकने में फेल हो चुकी है। 2 सप्ताहों में नशा बंद करने की अपील भी सरकार से की गई है। जो साडे नशे बंद नहीं करते साडे जवाकों की जिंदगी बर्बाद की पई है। इन्ने ने पैसे ला के पढ़ाने अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ाने पंजाबियों से पढ़ाने मावं बच्चों के मगर फिर दिया है। प्यो कम करके धरना तो टाइम दे के फिर बच्चा भी नहीं देखते दे हैं तो एंड तो जो जवाक बच्चे जवान हो जाते हैं उदो सरकार इन्हों के मगर पी इन जवानी बर्बाद करी जाती है। जो धरने भारतीय किसान एकता ग्राहां वालों सारे पंजाब जिथे भी एम एल ए का घर हैगा जो मंत्री का घर उन्होंने मूहे धरने देते दे आ रहा है। ये इस करके हैगा कि नशिया का जोड़ा रोग है साढ़े देश के इन्ना बढ़ गया है कि रोजाना का मुख्य मसला इको एक मसला कहना हो नशियां दे खात्मे दा जिहड़े नशियां ने हजारां पंजाब दे नौजवान निगलदे ते हर रोज़ मौतां दीआं खबरां आ रहीआं। इहदे लई जिम्मेवार जिहड़ीआं फैक्टरीआं सिंथेटिक चिट्टे अरगे नशे समाए करके पैदा कर दीआं।